भारत में सिनेमाघर 15 तारीख से खुल सकेंगे, ये केंद्र सरकार ने घोषणा की है। हिमाचल सरकार ने अभी इस बारे में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। फिलहाल हिमाचल के सिनेमाघर संचालक केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर सिनेमाघर खोलने की तैयारी कर रहे हैं। सोलन का एकमात्र सिनेमाघर भी खुलने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि पिछले 6 माह से सिनेमाघर से जुड़े युवा कर्मी बेकार और बेरोजगार हो चुके हैं, जिससे अब उन्हें दोबारा रोजगार मिलेगा। सोलन के सिनेमाघर के प्रबंधक नेहा शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने 15 तारीख से सिनेमाघर को खोलने की घोषणा की है, जिसके चलते वे सिनेमाघरों को फिर से खोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पूरे करने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। 15 अक्टूबर से थिएटर ओपन होंगे, उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने कुछ SOPs भी शुरू कर दिए हैं, हमें दी हैं, और अभी आने भी वाली हैं कुछ, जैसे टिकट्स के लिए जैसे हम टिकट सेल आउट का प्रोसीजर रहेगा हमारा, उसके साथ हमारा कैंटीन का है, उसके हिसाब से कैसे सर्विस रहेगी हमारे कस्टमर के लिए, और साथ ही हमारा अपना स्टाफ के लिए प्रिक्यूशंस रहेंगे, PPE किट वगैरह जैसे भी हमें करना ही है। थिएटर अभी कन्फर्म ही है, 15 अक्टूबर से ओपन हो जाएंगे, बाकी अभी 50% ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग ही खुलेंगे, उसमें अभी हमारे लिए 50% का ही गवर्नमेंट ने बोला है कि 50% पे आप खोल सकते हैं। तैयारियाँ मैक्सिमम सैनिटाइज़र हो रहे हैं हॉल्स वगैरह सारे, बाकी अभी जैसे भी स्टाफ अभी हमने बुलाया नहीं है, जैसे ही आता है उनके लिए भी गाइडलाइंस जैसे भी गवर्नमेंट के हैं उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। अभी तो खुशी है क्योंकि सारे कहीं भी जॉब के लिए आगे एम्प्लॉयज़ अभी जा नहीं पाए हैं, अभी हमारे ही कॉन्टैक्ट में जिसमें अभी कम से कम 14 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो हमारे अभी काम पे नहीं है, फिर भी अभी उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है 15 के पहले ही, वैसे तो उन्हें बुला दिया जाएगा, बाकी उसमें 5-5 एम्प्लॉयज़ हमारे वर्किंग में हैं, जैसे गार्ड्स वगैरह, हाउसकीपिंग स्टाफ, वो तो अभी कॉन्टैक्ट में है ही। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे को लॉस भी हुआ है, मैक्सिमम मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, फर्स्ट डे 14 मार्च को ही हमें कन्फर्म हुआ कि सिनेमा बंद हो रहे हैं, 15 को हमें उसी टाइम बंद करना पड़ा, और उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मटेरियल हमारा वेस्ट हो चुका है, ज़्यादातर जितनी भी हमारी एडवांस में ही सारा कुछ हम रखते हैं उसी हिसाब से काफ़ी लाखों के हिसाब से हमारे को लॉस हुआ है इसमें जी। टिकट का हमारा सबसे पहले रहेगा, मैक्सिमम ऑनलाइन ही अभी हम इशू करेंगे टिकट, जिसमें हमारा बुक माई शो साइड है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, जिसमें हमारा टिकट्स आपको इशू नहीं होगा, ओनली उसमें आपको एक कोड आएगा QR कोड जो कि ई टिकटिंग के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें हम आपके फ़ोन को ओनली स्कैन करेंगे जिसके थ्रू आपको एंट्री मिल जाएगी। बाकी सेकंड हमारा कैंटीन का रहता है, जिसमें हम मैक्सिमम अभी अपनी ओर से ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का सबको हमें पता ही है, उसका हमें थोड़ा ख्याल रखना ही है, उसके अकॉर्डिंग फिर अभी तो हमारी ओर से ही सर्विस प्रोवाइड रहेगी कस्टमर्स के लिए। सिनेमाघर के पास दुकान चला रहे व्यवसायी ने कहा कि सिनेमाघर बंद होने से दुकान की आय बहुत कम हो गई थी, अब उम्मीद जगी है कि सिनेमाघर खुलने से आय में बढ़ोतरी होगी। 6 महीने में बहुत बुरी स्थिति रही, काम धंधा बिल्कुल नहीं था, तो अब उम्मीद है कि इसके खुलने से थोड़ा 10-15% तो फर्क पड़ेगा। खुलने चाहिए जी, काम धंधा बिल्कुल खत्म है, रोजगार बिल्कुल खत्म हुए पड़े। आशा रखते हैं कि हमें काम बढ़ेगा, बच्चे पालने में सुविधा मिलेगी, साथ में अब फीसें नहीं निकल रही हम लोगों की, तो शायद उम्मीद करते हैं कि फीसें भी निकले बच्चों की।